नंबर एक, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी दूसरे मुसलमान भाइयों को सलाम करने में पहल करे वो शख्स तकब्बुर से बरी है। क्या फरमाया? जो आदमी दूसरे मुसलमान भाइयों को सलाम करने में पहल करे वो तकब्बुर से बरी है। अब हम अपने दिल को देखें, बसा औकात कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, अकारब में से कोई आता है, हमारा उससे सामना होता है, तो जहन में ये होता है कि ये मुझे पहले सलाम करें, मैं फिर इसका जवाब दूं। बसा औकात वो सामने से सलाम किए बगैर गुजर जाता है और हम भी उसको सलाम नहीं करते, इसलिए नहीं कि मैं क्यों करूं। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को तकब्बुर से बरी होने का सर्टिफिकेट दे दिया है जो लोगों को पहले सलाम कर रहा है। ये इंतजार ना करे कि ये मुझे सलाम करता है तो करूंगा, नहीं करता तो नहीं करूंगा, बल्कि खुद आगे बढ़कर सलाम करे। अब यहां चंद एक बातें गौर करने की हैं। सलाम से मुतल्लक हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई है। अब कौन सलाम किसको करे? अब देखो, दो लोग जा रहे हैं, पैदल है तो हैसियत बराबर है, जो चाहे करे। एक आदमी सवार है, मोटरसाइकिल पे है, गाड़ी पे है, दूसरा पैदल है। क्या पैदल आदमी गाड़ी वाले को सलाम करे या गाड़ी वाला पैदल को सलाम करे? मसला फुकहा ने यह बयान किया है कि जो सवार है वो पैदल को सलाम करे। क्यों? जो गाड़ी पे सवार है उसके दिल में तकब्बुर मौजूद होगा और वो कहेगा देखो मेरी गाड़ी को देख के सलाम करते, मुझे नहीं करते। इसलिए सवार सलाम करे पैदल को, तो ये आदाब में बात है। आमतौर पर बड़ा सलाम करे छोटे को, और बड़ा भी अगर छोटे को सलाम करता है फिर भी कोई हर्ज नहीं, छोटा बड़े करता है फिर भी हर्ज नहीं। जिस शख्स के दिल में तकब्बुर पैदा होने का खदशा हो तो वो सलाम आगे बढ़कर करेगा। तो खैर, तकब्बुर से बड़ी होने की और आजी की पहली अलामत यह कि इंसान दूसरों को बढ़कर सलाम करे। अब देखिए, जो सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये मसनून सलाम है। हमारे अमूमन ऐसा होता है, कोई भाई दूसरे से मिलते ना, मुसाफा करते हैं और फौरन पूछते की आला, यानी सलाम नहीं करते, हाथ मिलाया और फौरन पूछा क्या हाल है। हालांकि मुसाफा करे और उसके साथ सलाम करना चाहिए, और सलाम जो मसनून है वो करना चाहिए। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दूसरे मुसलमान भाई को यूं सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, उसको 30 नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम की 10, व रहमतुल्लाह अगर कहा तो 7-20, अगर 7 व बरकातुहु कहा तो 30। अब सलाम करे तो पूरा किया करे ताकि पूरे का पूरा अजर और सवाब मिले। और जब सलाम करें तो इससे बढ़कर न करें। बाद लोग सलाम करते हैं तो गैर मसनून सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जन्नत लालो दोज़ख हरामो, अगर भी क्या कुछ कहते हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका कोई सवाब है। जो मसनून सलाम है वो करें। और बाद लोगों ने सलाम के मद्दे मुकाबल और चीजें निकाल रखी हैं, जो हिंदुओं और सिखों भी ज्यादा जिनका सलाम के साथ बाय बाय टाय टाय और फलाना, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और इसका अजर और सवाब से कोई ताल्लुक नहीं, और ना इसका आयसी इंकसारी से ताल्लुक है। जिस चीज का आयसी इंकसारी से ताल्लुक है वो सलाम है, और वो सलाम जो मसनून है।